हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सबका मेरे इस चेस चैनल में। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में मिखेल ताल की एक और बेहतरीन अटैकिंग गेम लेकर आया हूँ, अगेंस्ट केरोकान डिफेंस। और ये मैच जो है वो खेला गया था लाजो स्पोर्टिस और मिखेल ताल के बीच में, जिसमें मिखेल ताल के वाइट पीसेस थे और गेम खेली गई थी कैंडिडेट क्वार्टर फाइनल्स में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैच था, ठीक है ना। और देखते हैं एज यूजल मिखेल ताल के सेक्रीफाइसिस इस गेम में। सो इन बिटवीन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इफ पॉसिबल ट्राई टू शेयर माय वीडियोस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं गेम। गेम में मिखेल ताल के वाइट पीसेस, उन्होंने गेम की शुरुआत की पॉन टू ई फोर, पॉन टू सी सिक्स, केरोकान डिफेंस, नाइट सी थ्री, पॉन टू डी फाइव एंड नाइट टू एफ थ्री, टू नाइट्स अटैक, डी कैप्चर ऑन ई फोर, नाइट कैप्चर ऑन ई फोर। और यहाँ पर खेला गया बिशप जी फोर और मिखेल ताल ने खेला पॉन टू एच थ्री। और यहाँ पे मेन मूव है दोस्तों बिशप कैप्चर ऑन एफ थ्री। और नॉर्मली ब्लैक का प्लान ये होता है, और आफ्टर क्वीन कैप्चर एफ थ्री ब्लैक खेलता है ई सिक्स, और स्ट्रक्चर को जितना पॉसिबल है, ठीक है ना, उतना क्लोज रखने की ट्राई करता है। और डिफाई स्क्वेयर है वो अपनी नाइट के लिए अवेलेबल रखता है, ठीक है। और अगर आप सी फोर करके वो स्क्वेयर लेने की ट्राई करते हो तो फिर आपका पॉन जो डी फोर पर है वो वीक हो जाता है। सो क्वीन कैप्चर एफ थ्री के बाद नाइट टू डी सेवन, पॉन टू डी फोर गेनिंग द सेंटर, एंड नाउ नाइट जी टू एफ सिक्स, बिशप टू डी थ्री, नाइट कैप्चर ई फोर। और दोस्तों, यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सोचो आपको बिशप कैप्चर ई फोर खेलना चाहिए या क्वीन कैप्चर ई फोर खेलना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि अभी वाइट के पास टू बिशप एडवांटेज है, ठीक है ना। तो क्या होगा अगर आप बिशप कैप्चर ई फोर, जो कि मोस्ट नेचुरल मूव है, ठीक है ना, खेलो, तो फिर आ सकता है दोस्तों नाइट एफ सिक्स अटैकिंग द बिशप, और क्वीन जो है वो डी फोर पर अटैक करिए। दैट मीन्स आपको डी फोर सेव करना पड़ेगा, और उसके काफ़ी रास्ते हैं, जैसे कि सी थ्री या फिर क्वीन टू डी थ्री, कुछ भी खेलो आप। नेक्स्ट मूव में नाइट कैप्चर ई फोर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वाइट के पास जो टू बिशप एडवांटेज है वो नहीं रहेगा। और इनफैक्ट वाइट का पोन कहाँ पर है, डार्क स्क्वायर में। दैट मीन्स वाइट का जो डार्क स्क्वायर जो बिशप है, ठीक है ना, वो भी टेक्निकली बैड बिशप कहलाएगा। सो दैट्स व्हाई गेम में मिखेल ताल ने खेला क्वीन कैप्चर ई फोर। और अब नाइट एफ सिक्स के बाद, ठीक है ना, आप क्वीन एच फोर खेल सकते हो, आपका पॉन भी डी फोर पर सेफ है और आपके पास दो बिशप भी अवेलेबल है। सो क्वीन कैप्चर ई फोर, पॉन टू ई सिक्स गेम में खेला गया। एज यूजुअल मैंने आपको बोला था, ठीक है ना, ई सिक्स एंड सी सिक्स पॉन हो गए, और डी फाइव पे ब्लैक जो है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखने की ट्राई करेगा। मिखेल ताल ने कैसल किया, ऑफकोर्स आपका किंग सेफ होना चाहिए अगर आपको सामने वाले के किंग पे अटैक करना है। बिशप टू ई सेवन, पॉन टू सी थ्री, और अब नाइट टू एफ सिक्स। ऑफकोर्स कैसल नहीं होगा, अदरवाइज क्वीन कैप्चर ऑन एच सेवन इज जस्ट मेट। सो नाइट एफ सिक्स, क्वीन एच फोर। और दोस्तों, ये सारे आइडियाज़ क्या है क्वीन एच फोर के, क्यों आप डिस्कवर में जा रहे हो। पॉइंट ये है कि डिस्कवर में वाइट को कोई इतनी ट्रबल नहीं है, और अगर ब्लैक यहाँ पे कैसल करता है तो फिर आ सकता है बिशप टू जी फाइव विथ एन आइडिया ऑफ बिशप कैप्चर एफ सिक्स, उसके बाद क्वीन कैप्चर ऑन एच सेवन इज जस्ट मेट। और ब्लैक कोई ट्राई करे जैसे कि पॉन टू एच सिक्स, तो फिर आ सकता है बिशप कैप्चर एच सिक्स, इवन सेक्रीफाइसिंग द बिशप, और पॉन कैप्चर एच सिक्स, क्वीन कैप्चर एच सिक्स, और नाइट इनडायरेक्टली पिन है, क्योंकि अगर आप नाइट मूव करते हो देन क्वीन एच सेवन इज जस्ट मेट, सो नाइट मूव नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट मूव में, ठीक है ना, वाइट जो है वो रुक ई वन पे लाएगा, फिर रुक टू ई फाइव ला सकता है या फिर ई थ्री ला सकता है, देन रुक जी फाइव, और उसके बाद ब्लैक की चेकमेट हो जाएगी। सो काफ़ी डेंजरस पोजीशन है, ठीक है ना। सो क्वीन एच फोर के बाद कैसल नहीं किया और खेला गया नाइट टू डी फाइव, और अब क्वीन जी फोर अटैकिंग जी सेवन और बिशप टू एफ सिक्स। ऑफकोर्स आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि कैसल क्यों नहीं, अगर कैसल करते हो तो ब्लैक जो है वो एक्सचेंज लूज कर देगा। किस तरह से, बिशप टू एच सिक्स। आप बोलोगे यार पॉन जी सिक्स करने मूव करने की क्या ज़रूरत है, आप बिशप एफ सिक्स खेल सकते हो, ऑफकोर्स खेल सकते हो, लेकिन आएगा क्वीन ई फोर थ्रेटनिंग चेकमेट ऑन एच सेवन, और आपको जी सिक्स अब फोर्सफुली खेलना पड़ेगा, और उसके बाद बिशप कैप्चर इफेक्ट और वाइट को एक्सचेंज मिल जाएगा। तो इसीलिए क्वीन जी फोर के बाद बिशप एफ सिक्स खेला गया गेम में, और अब आया रुक टू ई वन, और दोस्तों यहाँ पे कैसल कर लेना चाहिए ब्लैक को, ठीक है ना। और कैसल के बाद वाइट जो है अपने दोनों बिशप भी रख सकता है,
और उसकी स्ट्रक्चरल कोई वीकनेस नहीं है, सो ब्लैक हैज़ टू फाइट इन एंड गेम ड्रॉ करने के लिए भी, जैसे कि बिशप एच सिक्स आएगा, ठीक है ना, और अब जी सिक्स अफकोर्स नहीं खेलना है, अदरवाइज रुक चला जाएगा, सो रुक ई एट पहले, और अब आएगा रुक ए टू डी वन, दोनों रुक सेंट्रलाइज हो रहे हैं, और क्वीन बी सिक्स के बाद बी टू पोन सेव करेगा वाइट विथ बिशप टू सी वन, और अब देख रहे हो कि वाइट का कोई भी स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब कोई पोन वीकनेस नहीं है ना ब्लैक की है, ठीक है ना, बट वाइट के पास टू बिशप है, तो एंड गेम में उसको थोड़ा बहुत एडवांटेज रहेगा एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। सो इसीलिए गेम में रुक ई वन के बाद ब्लैक ने सोचा कि पहले मैं बी टू पर अटैक करता हूँ ताकि बिशप एच सिक्स की नौबत ही ना आए, ठीक है ना। सो उन्होंने खेला क्वीन टू बी सिक्स, और दोस्तों यहाँ पे वीडियो पॉज करो, ठीक है ना, आपको कुछ भी करके ब्लैक के किंग को अप सेंटर में रखना है, ठीक है ना, दिस इज़ अ मिस्टेक, और यहाँ से गेम ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हो गई, बिगिनिंग ऑफ एन एंड, पॉन टू सी फोर, वॉट इज़ द लॉजिक? लॉजिक है दोस्तों कि क्वीन कैप्चर डी फोर इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वीन कैप्चर डी फोर एंड देन बिशप कैप्चर डी फोर और पॉन कैप्चर ऑन डी फाइव, वाइट इज़ विनिंग अ पीस, सो सी फोर के बाद नाइट बी फोर, हालांकि नाइट ई सेवन खेलना चाहिए, लेकिन नाइट ई सेवन के बाद मिखेल ताल ने यह सोचा था कि वो पॉन टू डी फाइव खेलते हैं। अफकोर्स दोस्तों ये वेरिएशन है, वो उनकी बुक माई गेम्स एंड लाइफ ऑफ मिखेल ताल में दिया गया है, सो दैट्स वाई आई नो दैट। सो डी फाइव और ई कैप्चर डी फाइव, देन रुक की लाइन ओपन हो जाएगी, और अगर आप सी कैप्चर डी फाइव करते हो देन सी कैप्चर डी फाइव, और अब नाइट कैप्चर डी फाइव और क्वीन टू ए फोर, और ब्लैक का किंग जो है वो फोर एवर सेंटर में रहना पड़ेगा, किंग एफ एट ही खेलना पड़ेगा, क्वीन सी सिक्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज बिशप बी फाइव। सो ये मिखेल ताल का प्लान था, सो इसीलिए सी फोर के बाद नाइट बी फोर खेला गया, और यहाँ पर बेहतरीन अटैक बाय मिखेल ताल, सेक्रीफाइजिंग द रुक विथ रुक कैप्चर ऑन ई सिक्स, माइंड ब्लोइंग सेक्रीफाइस, एफ कैप्चर ई सिक्स और क्वीन कैप्चर ई सिक्स, यहाँ पे गेम में खेला गया किंग एफ एट। आइए देखते हैं क्या होता है अगर बिशप ई सेवन, दोस्तों अगर बिशप ई सेवन होता है तो नॉर्मली हम कौन सी मूव सोचते हैं कि पिन पीस है तो उस पर अटैक बढ़ा जाए, अफकोर्स अच्छी मूव है बिशप टू जी फाइव, लेकिन फिर क्वीन सी सेवन आ सकता है, और अगर हम अब रुक टू ई वन खेलें विथ एन आइडिया ऑफ के बिशप पे अटैक और बढ़ाते हैं तो फिर आ सकता है नाइट कैप्चर डी थ्री। अफकोर्स बिशप जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है वाइट को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ना मेट हो रही है ना कुछ, उल्टा आपका रुक भी अटैक में है, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर क्वीन जी सिक्स चेक पॉसिबल होता तो क्या होता दोस्तों, किंग को मूव होना पड़ता और फिर रुक कैप्चर ई सेवन और ब्लैक की क्वीन जो है वो विन हो जाती। सो आपका डी थ्री पर तो बिशप जा ही रहा है, सो आप कैसे पॉसिबल कर सकते हो क्वीन जी सिक्स चेक? सो यहाँ पे मिखेल ताल ने कुछ इस तरह से सोचा था कि अगर बिशप ई सेवन तो बिशप जी फाइव पहले नहीं, पहले बिशप टू जी सिक्स चेक, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मूव, और एच कैप्चर जी सिक्स के बाद बिशप टू जी फाइव, और अब क्वीन सी सेवन, अब रुक ई वन, और अब पॉइंट ये है दोस्तों कि नाइट डी थ्री के बाद वाइट खेल सकता है क्वीन कैप्चर बिशप चेक, सॉरी क्वीन कैप्चर पोन ऑन जी सिक्स चेक, और जैसे ही किंग मूव होता है कहीं पे भी रुक कैप्चर ई सेवन, और प्रैक्टिकली क्वीन देनी पड़ती थी ब्लैक को, अगर ब्लैक क्वीन नहीं देता तो फिर एफ सेवन पर मेट है, सो क्वीन कैप्चर रुक, बिशप कैप्चर ऑन ई सेवन चेक, किंग कैप्चर ई सेवन, और यहाँ पे नाइट भी हैंगिंग है, मतलब नाइट जा रही है, वो वाइट इज़ विनिंग है कि नहीं। सो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट उन्होंने काउंट किया था, देखो बिशप जी सिक्स इंटरमीडिएट मूव चेक जो थी वो कितना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑलवेज पे अटेंशन टू एवरी चेक एंड कैप्चर्स पर्टिकुलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो क्वीन कैप्चर ई सिक्स के बाद बिशप ई सेवन की जगह पर खेला गया किंग एफ एट, और मिखेल ताल ने अटैक को कंटिन्यू किया विथ बिशप टू एफ फोर विथ एन आइडिया ऑफ बिशप डी सिक्स चेकमेट, सो इसीलिए नाइट कैप्चर डी थ्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गेम में खेला गया रुक टू डी एट, और आप शायद ये सोच रहे हो अगर बिशप ई सेवन आएगा तो क्या करोगे, मतलब रुक डी एट की जगह पे अगर नाइट कैप्चर डी थ्री बिशप डी सिक्स चेक बिशप ई सेवन, देन दोस्तों सिंपल दो मूव में मेट हो जाएगी, क्वीन कैप्चर ई सेवन, किंग यहाँ पे और क्वीन ई सिक्स जस्ट चेक मेट, सो दैट्स वाई बिशप एफ फोर के बाद रुक टू डी एट। और दोस्तों ये भी सोचने वाली बात है क्या होता अगर रुक टू ई एट, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करेंगे आफ्टर
बिशप टू डी सिक्स चेक और बिशप ई सेवन के बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे हम खेल सकते हैं पॉन टू सी फाइव। और पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि क्वीन सी सेवन पर नहीं जा सकता, और क्वीन अगर ए फाइव पर जाएगा तो फिर हम खेलेंगे अब रुक टू ई वन। ऑफकोर्स आप सी फोर के पहले, सी फोर सी फाइव के पहले भी द सेम चीज़ खेल सकते थे, ठीक है ना, रुक टू ई वन, और शायद वही ज़्यादा अच्छा था इस पोजीशन में। बिशप ई सेवन के बाद रुक टू ई वन और वाइट की पोजीशन है वो विनिंग है। क्यों? क्योंकि नाइट कैप्चर डी थ्री के बाद बिशप कैप्चर ई सेवन चेक एंड गेम इज़ लॉस्ट, ठीक है ना, वाइट जीत गया। सो दिस वाई बिशप एफ फोर के बाद रुक डी एट इज़ फोर्स। अब बिशप एफ फोर अगर खेलता है ब्लैक, सॉरी वाइट, देन रुक कैप्चर डी सिक्स वो सेक्रीफाइस है। सो रुक डी एट एंड नाउ पॉन टू सी फाइव। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो दोस्तों? ब्लैक को फोर्स कर रहे हो कि अपनी क्वीन दे दे, ठीक है ना। अगर वो क्वीन सेव करने की ट्राई करता है, जैसे कि क्वीन टू ए फाइव देन जस्ट रुक टू ई वन, और वाइट जो है वो विन है। क्यों? क्योंकि आफ्टर नाइट कैप्चर से बिशप ऑन डी थ्री देन बिशप टू डी सिक्स चेक, रुक कैप्चर डी सिक्स, ठीक है, और अब क्वीन कैप्चर डी सिक्स, और आप देख रहे हो रुक की वजह से, ठीक है ना, बिशप ई सेवन नहीं आ सकता एंड देन वाइट इज जस्ट विनिंग। सो सी फाइव, और यहाँ पे ब्लैक ने सोचा कि देखो वाइट ने रुक तो पहले से ही दे दिया है और अब मुझे क्वीन के बदले में दोनों बिशप मिल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे नाइट कैप्चर डी थ्री क्वीन मरेगा देन नाइट कैप्चर जस्ट बिशप, तो मेरे पास तीन पीस हो जाएंगे क्वीन के बदले में, तो वो तो अच्छी ही पोजीशन है। तो वहीं सोच के पोर्टिस ने खेला नाइट कैप्चर डी थ्री, अब आया पॉन कैप्चर ऑन बी सिक्स, नाइट कैप्चर ऑन एफ फोर और क्वीन टू जी फोर, ठीक है ना, अटैकिंग द नाइट। और यहाँ पे पोर्टिस है, ठीक है ना, उन्होंने खेला नाइट टू डी फाइव। दोस्तों अगर रुक कैप्चर डी फोर आता विथ एन आइडिया ऑफ के भाई नाइट को प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन फिर वाइट खेल सकता था पॉन कैप्चर ऑन ए सेवन, और यहाँ पे अभी क्वीन बन रही है नहीं, ठीक है ना, और वो पॉन ऑन ए सेवन रियली रियली डेंजरस है। सो इसीलिए ये गेम में नहीं खेला गया, और गेम में खेला गया नाइट टू डी फाइव, और अब बिशप सॉरी पॉन कैप्चर ए सेवन। और यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या रुक टू एट खेला जा सकता है डायरेक्टली मारने के लिए, ठीक है ना, लेकिन नहीं खेला जा सकता दोस्तों, क्योंकि रुक ए एट आएगा तो फिर आ जाएगा क्वीन डी सेवन, और आप रुक कैप्चर ए सेवन नहीं खेल सकते, अदरवाइज क्वीन सी एट और उसके बाद रुक ऑन एच एट चला जाएगा हैंगिंग पीसीस। सो बी कैप्चर ए सेवन, इसीलिए किंग ई सेवन। पॉइंट ये है दोस्तों कि अब रुक ए एट जाके रुक कैप्चर ए सेवन खेलना है, ठीक है ना, लेकिन इसमें आप किंग को अगेन सेंटर में ला रहे हो, तो फिर रुक टू ई वन चेक आ सकता है और विन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मिखेल ताल कुछ और खेलना चाहते हैं, ठीक है ना, वो ये सोच रहे हैं इसके बाद किंग टू डी सिक्स आएगा और किंग एफ फोर सॉरी क्वीन एफ फोर इज़ पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या सोचा, इस नाइट को यहाँ से हटाना भी सोचा, और दूसरा ये भी सोचा कि अगर ये सी फाइल ओपन हो जाती है तो ठीक है ना, किंग को यहाँ पे अगर भागता है तो फिर वो रुक सी वन जैसी मूव भी कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ड्यूअल पर्पज़ मूव खेली दैट इज़ पॉन टू बी फोर। अगर नाइट कैप्चर दोस्तों बी फोर आता है, ठीक है ना, तो सेम चीज़ चेक देके क्वीन एफ फोर स्टिल पॉसिबल, क्योंकि नाइट वहाँ से हट गई है। सो बी फोर रुक ए एट और अब रुक टू ई वन चेक, किंग टू डी सिक्स और पोन टू बी फाइव, वॉट एन इम्पोर्टेंट मूव। क्यों? क्योंकि अगर पोन कैप्चर पोन देन क्वीन ई सिक्स चेक और आपकी नाइट चली जाएगी ऑन डी फाइव पे, ठीक है, और अगर बी फाइव के बाद कुछ ना करे, ठीक है ना, जैसे कि रुक कैप्चर ए सेवन गेम में खेला गया वो भी ना करे और पॉन टू जैसे कि ए सिक्स खेलते हैं, तो फिर आ जाएगा रुक टू ई सिक्स चेक, ठीक है, और किंग अगर मूव होता है देन आई कैन जस्ट गो एड विथ इवन पॉन टू ए फोर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रुक कैप्चर ए सेवन पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज रुक कैप्चर एफ सिक्स, और यही वेरिएशन गेम में आया था लेकिन लेट,
बी फाइव के बाद रुक कैप्चर ए सेवन खेला गया और अब वाइट टू प्ले एंड विन अ पीस। वीडियो को पॉज करो और देखो क्या खेल सकते हो आप। ये बिल्कुल रुक टू ई सिक्स, किंग सी सेवन और अब रुक कैप्चर एफ सिक्स और पोर्टिस ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, ब्लैक ने यहाँ पे रिज़ाइन किया। क्यों किया? क्योंकि पोन कैप्चर एफ सिक्स देन क्वीन जी सेवन चेक फॉलोड बाय विनिंग ए रुक ऑन एच एट, ठीक है ना, और वाइट की पोजीशन है वो विनिंग है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो और कैसी लगी आपको मिखेल ताल की गेम, है ना बेहतरीन और लाजवाब अटैकिंग प्लेयर। तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूले। और हाँ दोस्तों, ट्राई टू शेयर माई वीडियो टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।